एनी बेजेंट ने एक बार कहा था कि भारत भूमि धर्म की जननी है। इसमें विज्ञान और धर्म के बीच पूर्ण सामंजस्य है और यही हिंदू धर्म है। यकीनन एक दिन यही भारत भूमि दुनिया का आध्यात्मिक नेतृत्व करेंगी। एनी बेजेंट की कही हुई ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि दुनिया में जो जो बेहतरीन खोज हुई है उसके हजारों सालों पहले ही हिंदू धर्म ग्रंथों ने यह ज्ञान का भंडार दुनिया के सामने रख दिया था। हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति और मानव जीवन की शुरुआत हमेशा से ही हम सब की जिज्ञासा का विषय रहा है। हम सब जानते हैं कि 19 सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल ने फेमस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा, जिसमें बताया गया कि कैसे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पानी से हुई और आगे अलग अलग प्रजातियों ने जन्म लेकर समय के साथ खुद में बदलाव किया। पर क्या आप जानते हैं कि इसी इवोल्यूशन को हिंदू धर्म में हजारों सालों पहले ही बताया गया था? हमारा इतिहास और धर्म ग्रंथ इसकी साक्ष्य देते हैं। मैं शशांक आपको बताऊंगा ऐसी इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट। हनुमान जी ने रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ज्यादातर लोग हनुमान जी और पूरी वानर सेना को बंदर समझते हैं, पर हनुमान जी, सुग्रीव, वाली और उनकी पूरी सेना ये बंदर नहीं बल्कि वानर थे। और वानर का अर्थ होता है वन में रहने वाले नर, ना कि बंदर। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक हनुमान जी नियांडरथल स्पेसिस को बिलोंग करते थे। रामायण काल में इस स्पेसिस के लोग किष्किंधा में रहते थे, जो आज के कर्नाटक राज्य में आता है। अगर हम ओवरऑल स्पेसिस की बात करें तो नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक पृथ्वी पर 8.7 मिलियन यानी 87 लाख प्रजातियां मौजूद है। उनमें से 12 लाख प्रजातियों को आज का आधुनिक विज्ञान खोज चुका है, लेकिन बाकी प्रजातियां अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। यह सब आज के प्रगत युग का आधुनिक डेटा है। पर क्या हिंदू धर्म ग्रंथों में पृथ्वी पर मौजूद प्रजातियों के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं? तो इसका उत्तर है हाँ जी, बिल्कुल उपलब्ध है। हजारों साल पहले लिखे गए पद्म पुराण के अनुसार पृथ्वी पर 8.4 मिलियन यानी 84 लाख प्रजातियां मौजूद हैं। अगर आप दोनों आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों आसपास ही है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पद्म पुराण में ये तक बताया गया है कि कौन सी प्रजाति की संख्या कितनी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हिंदू धर्म में बताया गया विज्ञान कितना प्रगत और सटीक है। पद्म पुराण में लिखा यह श्लोक प्रजातियों का वर्णन कुछ इस प्रकार से करता है। जलजनव लक्षानि स्थावर लक्ष विंशति क्रमयो रुद्रसंख्यक पक्षिणाम दश लक्षणम त्रिंशल लक्षानि पशव चतुर लक्षानि मानव। जलजनव लक्षानि यानी इस श्लोक के अनुसार पृथ्वी पर 9 लाख जल में रहने वाली प्रजातियां है। स्थावर लक्ष विंशति यानी 20 लाख वृक्षों और पौधों की। क्रुमयो रुद्रसंख्यक यानी 11 लाख कीटक तथा सरीसृप मतलब इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स की प्रजातियां हैं। पक्षीनाम दशलक्षणम यानी 10 लाख पक्षियों की प्रजातियां हैं। त्रिंशल लक्षाणी पशव यानी 30 लाख पशुओं की प्रजातियां हैं। और चतुर लक्षाणी मानव यानी बची हुई 4 लाख मनुष्यों की प्रजातियां हैं। इसे कुल मिला के लगभग 84 लाख प्रजातियां इस धरती पर मौजूद है। इसमें एक चीज की तरफ आपने गौर किया होगा तो देखिए, पृथ्वी पर जो जीवित प्रजातियां है उनमें 20 लाख वृक्षों की प्रजातियां का भी उल्लेख है। यानी हिंदुओं को हजारों सालों पहले ये तक पता था कि वृक्ष सजीव है और उनमें भी जीवन होता है। वो तो बाद में 10 मई 1901 को भारत के फेमस साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस जी ने प्रूव किया और तब दुनिया ने माना कि पेड़ों में भी जान होती है। अब हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हिंदू पहले से कैसे जानते थे ये देखते हैं। हम बचपन से भगवान विष्णु जी के दशावतारों के बारे में सुनते या पढ़ते आए हैं, और इसी में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन छुपी है। डार्विन के मुताबिक जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी और भगवान विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य अवतार। मत्स्य यानी मछली, जो एक जलचर है। समय के साथ समुद्री जीव जमीन की तरफ बढ़ने लगे और धीरे धीरे ऐसे जीव तैयार हुए जो पानी में भी रहते थे और जमीन पे भी। और बिल्कुल इसी प्रकार से भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था कूर्म यानी कछुआ, जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी। इसके बाद मैमल्स की उत्पत्ति हुई, यानी ऐसे प्राणी जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, ना कि अंडे देते हैं।
और ऐसे ही भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था वरह, जो कि मैमल है। मैमल्स के बाद वानर आए, जिनसे धीरे धीरे इंसान बने, पर इस प्रोसेस के अर्ली फेज में जो प्रजातियां थी वो न पूर्ण रूप से प्राणी थे न ही इंसान, जिन्हें पैरेंथ्रोपस कहा जाता है। इसी बात को भगवान विष्णु का चौथा अवतार दर्शाता है, जो है भगवान नरसिम्हा। वो न पूर्ण रूप से प्राणी थे न ही पूर्ण रूप से इंसान। उसके बाद बौने आदमियों का सृजन हुआ, जिन्हें ऑस्ट्रोपिथेकस कहा जाता है। आप जो अभी देख रहे हैं वो 1974 में मिला फीमेल ऑस्ट्रोपिथेकस का स्केलेटन है, जिसे लूसी यह नाम दिया गया। इसकी हाइट 3.5 फीट थी। इसी बौने आदमी के सृजन की बात दर्शाता है भगवान विष्णु का पांचवा अवतार बटुकवाहन। बाद में धीरे धीरे इंसान जंगलों में रहना सीखने लगे। उन्होंने पत्थरों से तरह तरह के हथियार बनाना सीखा। वो गुफा में रहने लगे, पर वो थोड़े उग्र स्वभाव के थे। बिल्कुल इसी को दर्शाता है भगवान विष्णु का छठा अवतार भगवान परशुराम, जिनके हाथ में हमेशा एक परशु रहता है और वो वन में रहते हैं। वो भी स्वभाव से शीघ्र कोपी है। उसके बाद इंसान प्रगत होते गए, वो परिवार के साथ रहने लगे, भावनाओं को समझने लगे, स्वभाव से समझदार और शांत हुए, एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड हुई। ये बात दर्शाता है भगवान विष्णु का सातवां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो एक परफेक्ट जेंटलमैन थे, जिन्होंने इंसानी आचरण के अलग अलग पहलू दुनिया के सामने रखे। एक आदर्श पुत्र, पति, पिता और राजा कैसा होना चाहिए, यह उनका चरित्र दर्शाता है। इंसानों ने उसके बाद बहुत तरक्की की, बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ, ताकत बढ़ी, पर एक तरफ जन्म लिया ईर्ष्या, अहंकार, लालच और दूसरी तरफ बढ़ा प्रेम, विज्ञान। यही बात दर्शाता है भगवान विष्णु का आठवां अवतार भगवान श्री कृष्ण, जो एक कमाल के राजकारणी, मुत्सद्दी, बुद्धिमान थे। उन्हें पता था कौन से स्थिति में कैसा बर्ताव करना है। उन्होंने प्रेम की पवित्रता समझाई और अधर्मियों का नाश किया। और हम भगवद गीता को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस मायावी संसार में खुद कैसे जिए और प्रगति की राह पर कैसे चले ये सिखाया है। फिर इंसानों ने आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रगति की, सुखी जीवन का महत्व समझा, शांति समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये समझा। इसी को दर्शाता है भगवान विष्णु का नौवां अवतार भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने दुनिया को शांति, सुख और अहिंसा का महत्व समझाया। अब हम इंसान प्रगत और वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इंसानों के भलाई के साथ साथ गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो रहा है। दिन प्रतिदिन हिंसा, भ्रष्टाचार, लालसा बढ़ती जा रही है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु अपने आखिरी अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे, जो जेनेटिकली सुप्रीम और बहुत इंटेलिजेंट होंगे। वो अधर्मियों का नाश करेंगे। डार्विन और रसेल ने सिर्फ इवोल्यूशन के बारे में बताया, पर हिंदू धर्म ग्रंथों में आगे चलकर डिवोल्यूशन यानी एक एक करके सारी प्रजातियां नष्ट कैसे होंगी, इसका भी उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म की यह साइंटिफिक अप्रोच सच में बेहतरीन है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आई एम शशांक, साइनिंग ऑफ।